सारी चीजें ठप पड़ी। इस आशा भरोसा दिखला करके जो गलत सपन और गलत बातें कि उस पर सीधे सीधे पलटी मार चुकी। कोरोना के इस गंभीर काल में भी अगर देखें तो जहां पूरा देश पूरी दुनिया इस कोरोना संकट से लड़ रही है, राज्य की सरकार इसमें किंग कर्तव्य विमूढ़ बन करके चुपचाप बैठी हुई। आज झारखंड के अंदर जो भी योजनाएं चल रही है इस विकट परिस्थिति में, वो सारी योजनाएं केंद्र से प्रायोजित है। चाहे वो अनाज का योजना जो नवंबर तक बढ़ाया गया है, चाहे गैस का रिफिलिंग फ्री में होना हो, 88 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को अनाज पूरे भारत देश में बांटा जा रहा है और हम लोगों को यहाँ भी आदरणीय मोदी जी के तरफ से बांटा जा रहा है। 500 रुपये का सहायता राशि जनधन योजना में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से ग्रामीणों को यहाँ के लोगों को दिया गया। ये सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से सहायता, और प्लस हम लोगों का जो है, अगर कोरोना काल में देखें तो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर के कोई भी कार्यकर्ता इस पूरे काल में लोगों की मदद के लिए सड़कों पर नहीं दिखा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही, वो चाहे राशन ग्राहक पैकेज के रूप में सूखा अनाज हो, चाहे खिचड़ी का वितरण हो, पूरे झारखंड प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता ही दिखे, बाकी कोई भी राजनीतिक दल का नहीं दिखा। राज्य सरकार का भी कोई प्रतिनिधि कहीं भी नहीं दिखा। राज्य सरकार अपने कार्यों से इतनी विमुख है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। इस कोरोना में जो एक बहुत बड़ी औरैया में दुर्घटना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूरों का मारा जाना हुआ, हमारे बोकारो डिस्ट्रिक्ट से भी 12 मजदूर मरे, यूपी की गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट ने 3 दिनों के अंदर में अपने घोषणा के अनुरूप उन तमाम मृतकों के लाभुकों का आश्रित को 2 लाख रुपये उन्होंने दे दिया। लेकिन राज्य सरकार आज तक, जिसमें दलित है, 9 दलितों का, उसमें एक ही परिवार के 9 दलितों का जो है वो मृत्यु हुआ है, मजदूर थे, प्रवासी मजदूर थे, अपने घरों को आ रहे थे, राज्य की सरकार ने 4 लाख रुपया मुआवजा की घोषणा करी, लेकिन आज तक 1 पैसा भी उसके खाते में नहीं किया है। आज उस घटना को हुए लगभग 2 महीने होने को आए हैं, 1 भी पैसा उनके खाते में नहीं किया। ना ही सरकार का कोई बड़ा शीर्ष नेता उसी जिले में, बोकारो जिले में ही राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहां मंत्री निवास करते हैं, उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि जाकर के पीड़ित परिवार के सांत्वना देकर के वहां खड़ा हो सके, इतनी भी फुर्सत नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ऐसी कि दिन रात मर्डर हो रहे हैं, लेवी मांगी जा रही है लोगों के जहन में, फिर से अग्रवाल की ऐसी जो डर और भय जो पहले बनी हुई थी झारखंड के अंदर, वो फिर से वापस आ गई। आज आपका अखबारों की सुर्खियां है, 100 से ज्यादा नक्सलियों ने भवनों को उड़ाने के लिए आप जाकर के वहां धावा बोल दिया। मर्डर आम हो गया है, लेवी फिरौती आम हो गई है, लोगों का मूवमेंट जो 5 साल में रघुवर दास जी की सरकार में पूरी तरह से बंद था, वो मूवमेंट पूरा चालू हो गया है। 6 महीने से ट्रेजरी पूरी तरह से बंद है, कोई भी राज्य सरकार की ओर से कोई भी योजना नहीं चल रहा है, विधायक पद भी बंद पड़ा हुआ है, पैसे रहते हुए भी वो योजना भी बंद कर दी गई है। कहते हैं कि जांच करवा रहे हैं, जांच के बहाने बैंक में जो डील हो रही है वो सबके सामने है। अब ऐसे परिस्थिति में जब कोरोना संकट से प्रवासी यहाँ आए हुए हैं, बड़ी मात्रा में आए हुए हैं, विकास के कोई कार्य धरातल पर नहीं चल रहा है, मनरेगा की योजना पूरी तरह से कॉलेप्स की जा रही है, अभी तो मनरेगा का डिमांड भी बंद कर दिया गया, कल जो न्यूज है वो डिमांड भी बंद कर दिया गया है, ऐसे परिस्थिति में पूरे झारखंड के 3.25 करोड़ जनता भगवान भरोसे चलेगी। राज्य का मुखिया हो चाहे राज्य के पूरा महकमा हो, ये पूरा महकमा अभी दुनिया के लिए, सभी लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए बालू बंद किया हुआ है, लेकिन आप देखिए जो सीमावर्ती जो भी हमारे जिले हैं बंगाल और बिहार से, चाहे गोड्डा हो, पाकुड़ हो, चाहे साहिबगंज हो, एक बड़े पैमाने पर और भी राज्य के अभी बड़े पैमाने पे सरकारी संरक्षण से, सत्ता के संरक्षण से बालू और आपका पत्थर का अवैध कारोबार चल रहा है। यही एक कारोबार अभी झारखंड के अंदर चल रहा है और बाकी पूरी तरह से झारखंड की सरकार जो है पूरी तरह से विफल साबित हुई है। चाहे वो युवाओं को 5,000-7,000 रुपये भत्ता देने का बात हो,
चाहे फिर और महिलाओं को 4000 रुपया उनको जो वृद्धा पेंशन और बाकी पेंशनों में उनको देने की बात हो, वो सारी योजनाएं तो अब नाम भी नहीं लेते हैं। और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, अपनी खामियों को छिपाने के लिए नए नए से ऊपर छोड़ते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़िएगा तो सरकारी नौकरियां मिलेगी, 1932 और 1952 करेंगे, 2000 से 2014 तक स्थानीय नीति को परिभाषित करने के लिए कितने राजनीतिक षड्यंत्र और प्रपंच किए गए, इसमें पीसा को पीसा झारखंड का नौजवान बेरोजगार लड़के जो रोजगार की आशा में, नौकरी की आशा में सिर्फ इसलिए नहीं पार्टिसिपेट कर सका क्योंकि सरकार ने कोई जो है किसी भी प्रकार से जो है रिक्रूटमेंट नहीं निकाला, कोई बहाली नहीं निकाली। 2014 के बाद रघुवर दास जी की सरकार ने स्थानीय नीति को परिभाषित किया और उसका फायदा यह है कि आज आप कहीं भी गांव में घूमने जाइए, आपको गांव का कोई दरोगा मिल जाएगा, कोई वनरक्षी मिल जाएगा, कोई शिक्षक मिल जाएगा जो यहाँ का स्थानीय है। काला बाजारी नहीं हो, आज जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र थे हैं वहां से बिहार की तरफ बालू जा रहा है और झारखंड के लोगों को प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए भी बालू नहीं मिल रहा है और माफियाओं के हाथ में बालू जाने से जो यहाँ का मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग है उसके घरों का निर्माण, उनके कुछ जरूरत की चीजों का निर्माण प्रतिबंध बाधित हो गया है। रोजगार बढ़ाना चाहिए, बालू को फ्री करना चाहिए, बड़े बड़े जो बिल्डिंग होंगे, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन होगा उसकी नापी पर डिपार्टमेंट सीधे उससे टैक्स ले सकता है, लेकिन बालू के नदी के घाट पर गुंडागर्दी, माफियागिरी, लेवी, इससे मुक्ति झारखंड की जनता को तभी मिलेगी जब बालू फ्री होगा। ये जो प्रवासी झारखंडी समाज के मजदूर थे, वो प्रवासी झारखंडी मजदूर जो बड़े कष्ट से और जान जोखिम में डाल करके देश के कोने कोने से वापस लौटे, उनको फिर से आज लौट कंपनियों के द्वारा बुलाए जाने पर वापस जाना पड़ रहा है। कहीं न कहीं झारखंड में जो रोजगार वृद्धि होना चाहिए वो रोजगार की वृद्धि नहीं होने के कारण उनके सामने भी मजबूरियां आई। हमने पहले भी अपील किया है कि कंपनियों के लोग में न आए, मजदूर वापस किसी शहर में न जाएं, क्योंकि मजबूरी फिर हो सकती है और कोरोना का फिर से भयावह रूप आ सकता है, उन्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रोजगार के सबसे महत्वपूर्ण साधन है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, और ये निर्माण कार्य जो है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है बालू से। पूरे झारखंड में बालू के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मैं और जितने भी बाहर काम करने वाले प्रवासी मजदूर थे वो अधिकांश उसमें से ऐसे हैं वो या तो राजमिस्त्री थे या राजमिस्त्री के सहयोगी थे जो वहाँ पर भवन बनाने का काम करते थे, मार्केट बनाने का काम करते थे, बिल्डर्स के साथ थे। आज वो यहाँ आकर के बेरोजगार हो गए हैं। यदि कोई प्राइवेट में, सरकारी काम तो ठप है लेकिन प्राइवेट काम भी इसलिए नहीं हो पा रहा है कि बालू नहीं मिल रहा है। मेरा ये मांग है कि पहले जब झारखंड बना था भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, हमने पूरे झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण के लिए छोटे मंझले जो किस्म के लोग हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बालू फ्री कर दिया गया। फिर से झारखंड में बालू फ्री करे ये सरकार, क्योंकि बालू से राज्य की कोष में आमदनी बहुत नहीं होती है और यदि मेरा अनुमान है कि मुश्किल से पूरे प्रदेश से 40 से 50 करोड़ रुपए की भी आमदनी सरकार को नहीं हो रही है, और नहीं तो सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि बालू से कितना पैसा की आमदनी हुई। जो रेवेन्यू का जो मूल विषय है जिस पर मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा वो कुछ और है, लेकिन
बंगला भट्टा और बालू, इस पर तत्काल रोक समाप्त करना चाहिए, इनको टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि लोगों को काम करने का अवसर मिले, काम करने का मौका मिले। अब पूरे झारखंड से बालू का जिसको कहते हैं कि अवैध व्यापार जो दूसरे प्रदेशों पर हो रहा है, उस पर अस्थाई रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए।